दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आज हम बात करेंगे IUI के बारे में, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंजेमिनेशन के बारे में। अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी करने में मुश्किल आ रही है, यानी कि आपकी रिपोर्टें भी ठीक हैं, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो खुली हुई हैं, आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं और आपके एग जो अंडे हैं नॉर्मल बन के बाहर निकल रहे हैं और आपकी जो बच्चेदानी है यूट्रस है उसकी लाइनिंग भी ठीक है और आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो स्पर्म काउंट है वो भी नॉर्मल, यानी कि उनकी रिपोर्ट भी ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ठीक होने के बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी करने में कोई मुश्किल आ रही है तो IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंजेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसा सादा सा तरीका है जिसके ज़रिए आप प्रेगनेंट हो सकती हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IUI क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और इस कौन से वो कपल होते हैं जिनके अंदर IUI का जो ये जो ट्रीटमेंट है वो उनको प्रेग्नेंट होने में मदद दे सकती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि अगर आप IUI कराने के लिए सोच रही हैं तो आपको इस वीडियो की मदद से आपकी मालूमात में इजाफा हो और आपको अपना जो आपका केस है उसको समझने में मदद मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंजेमिनेशन किन कपल के अंदर बेहतर हो सकता है, यानी कि वो कौन से कपल हैं जो IUI टेक्निक के जरिए प्रेगनेंसी कर सकते हैं। कुछ शादीशुदा अफराद ऐसे होते हैं जिनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं, मसलन जो फीमेल होती है उनकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती हैं, उनकी पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनका अंडा ठीक तरह से बनता है और जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका जो स्पर्म काउंट है वो भी नॉर्मल होता है। तो इन सब चीज़ों के ठीक होने के बावजूद भी उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी करने में मुश्किल आती है, तो इस किस्म के अफराद में भी IUI के जरिए प्रेगनेंसी हासिल की जा सकती है। तो इसके अलावा कुछ कपल होते हैं जिनके जिनमें जो हस्बैंड होते हैं एक फीमेल है, अगर उनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट थोड़ा कम होता है, यानी कि उनकी जो सीमन होता है उसमें स्पर्म की तादाद थोड़ी कम होती है, तो ऐसे कपल के अंदर भी IUI के ज़रिए प्रेगनेंसी हासिल की जा सकती है। तो इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कपल होते हैं मसलन जो मेल और फीमेल होते हैं वो इकट्ठे नहीं रहते, मसलन जो मर्द होता है वो काम के सिलसिले में या तो उसको काफ़ी दिन कंट्री से बाहर या शहर से बाहर रहना पड़ता है और फिर वो आपस में सही तरह से यानी कि मिलाप नहीं रख सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक फीमेल होती है उसका एक माह के अंदर जो एग निकलता है वो एक बार ही निकलता है, तो अगर इस एग निकलने के दौरान ही अगर आप प्रेगनेंसी आपस में तलकात रखेंगे तो तभी आप प्रेगनेंसी कर पाती हैं। तो ऐसे कपल में जो आपस में तलकात यानी कि इकट्ठे नहीं रहते, ज़्यादा अलग अलग रहते हैं, तो वो भी ऐसे कपल में भी IUI इंट्रा यूट्राइन एग्जामिनेशन तरीके के जरिए आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो इसके अलावा कभी कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जिनमें जो मेल होता है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है, यानी कि उनको शहवत उनके जो पीनस है उसमें शहवत कम होती है, कभी कभी होती है, तो उनको फिर मिलाप करने में यानी कि मीटिंग करने में मुश्किलात का सामना रहता है। तो ऐसे कपल में भी हस्बैंड के सीमन का सैंपल लिया जाता है और IUI तरीके के जरिए फिर ऐसे कपल को प्रेगनेंसी दिलवाई जा सकती है। तो अब देखते हैं कि वो कौन से कपल या शादीशुदा अफराद हैं जिनको IUI के लिए नहीं जाना चाहिए, IUI नहीं करवानी चाहिए। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं और इसके अलावा अगर आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो उनका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी कम है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और स्पर्म की क्वालिटी मॉर्फोलॉजी भी ख़राब है, तो तब भी इन केस में आपको IUI के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप पहले ही तीन बार या इससे ज़्यादा बार IUI करवा चुके हैं और आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकें तो तब भी आपको IUI के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जो आपका जो पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हैं और इसके अलावा आपकी जो अंडे हैं वो ठीक तरह से नहीं बनते, उनकी क्वालिटी कम है और ठीक तरह से आपका जो अंडा है वो बन के बाहर नहीं आ रहा, और इसके अलावा अगर आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कोई प्रॉब्लम है और यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसकी उसमें वो काफ़ी बारीक है, वो सही तरह से तैयार नहीं हो पाती, तो इन सब केसेस में भी आपको IUI के लिए नहीं जाना चाहिए। इसमें अगर आप IUI के लिए जाएंगी तो आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। तो
अगर आप IUI के लिए जाना चाहती हैं, तैयारी आप IUI के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको IUI के लिए जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगी तो आपका IUI के जरिए अगर आप प्रेगनेंसी हासिल करना चाहती हैं तो आपकी आपको प्रेगनेंसी करने में काफ़ी आसानी रहेगी और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक गौर से लाजमी देखें। तो अगर आप IUI के लिए जाना चाहती हैं तो उससे पहले इस IUI के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से। IUI क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, इसका तरीकाकार क्या होता है और आपको कितनी बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसमें पैसे कितने लगते हैं, ये बार बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मालूमात हासिल करें। और आप इसके अलावा ये भी जाने अपने डॉक्टर से मालूमात अपने डॉक्टर से पूछें, ये जानने की कोशिश करें कि क्या आपके केस में अगर आप प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो क्या एक जो IUI जो टेक्निक है क्या यही एक वाहिद रास्ता है, यानी कि ये क्या आपके केस में ये IUI यानी कि इंट्रायूटराइन एग्जामिनेशन का तरीका सही रहेगा। तो जब ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हैं, ये सारी चीजें फाइनल हो जाती हैं और आप और आपके जो डॉक्टर हैं वो फाइनल कर लेते हैं कि आपके केस में IUI यानी कि इंट्रायूटराइन एग्जामिनेशन एक बेहतर प्रेगनेंसी करने के लिए एक बेहतर तरीका या टेक्निक हो सकती है, तो आपको फिर तब ही IUI के लिए जाना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो IUI का तरीका है यानी कि प्रोसीजर है ये कैसे किया जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वजाइना है, यहाँ पे इंटरकोर्स होता है, ये बच्चेदानी यूट्रस है, यहाँ पे बच्चा डेवलप होता है और ये जो आपको साइड पे दो फीमेल नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और ये जो आपको दो साइड पे अंडाशय नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं ओवरीज, और एक जो औरत होती है उसके जो एग अंडे बनते हैं वो इन्हीं ओवरीज के अंदर रहते हैं और बड़े होते हैं। तो अगर IUI के प्रोसीजर के बारे में तरीके के बारे में बात करें तो IUI से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। जब एक औरत को डेट आती है तो डेट के दूसरे दिन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरीज के अंदर एग पड़े होते हैं, तो डेट के दूसरे दिन से ये जो एग हैं काफ़ी तादाद में पड़े होते हैं, इनमें से कुछ अंडे फॉलिकल बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इन जब ये बड़े होना शुरू होते हैं तो इनमें से कुदरत एक अंडा जो सबसे अच्छा होता है वो सिलेक्ट कर लेती है और डेढ़ के 12 से 14 दिन के बाद ये अंडा जब इसका साइज 18 मिलीमीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो ये पक के यहाँ से ओवरी से बाहर आ जाता है। तो ये अंडा ओवरी से बाहर आने के बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अगर इसी दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग करते हैं तो जो आपके हस्बैंड हैं आपके हस्बैंड है आपकी वजाइना पे यहाँ स्पर्म छोड़ते हैं, तो स्पर्म में हरकत होती है, वो स्पर्म हरकत करते हुए यहाँ से वजाइना से होते हुए बच्चेदानी में दाखिल होते हैं और यहाँ से होते हुए एग तक पहुँचते हैं और उन स्पर्म में से एक स्पर्म एग के अंदर चला जाता है। एग और स्पर्म के इस मिलने के इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और बाद में ये जो भ्रूण बनाता है वो 3 से 4 दिन के बाद यहाँ पे आके बच्चेदानी के अंदर आके बच्चेदानी की जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है उसके साथ चिपक जाता है और प्रेगनेंसी का अमल बाकी 9 मंथ तक जारी रहता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जब आपके हस्बैंड यहाँ पे स्पर्म छोड़ते हैं जाना में तो यहाँ से लेकर यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये जो एग पड़ा होता है इस तक पहुँचने के लिए जो स्पर्म है उनको तकरीबन 6 इंच का फासला तय करना पड़ता है, ये होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। तो अब जान लेते हैं कि ये जो IUI इंट्रायूटराइन एग्जामिनेशन है इसका तरीका क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। जब आपकी IUI आपके डॉक्टर IUI आपकी IUI शुरू करते हैं तो आपको डेट के दूसरे दिन से हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, तो फिर आपको आपके अंडे बनाने के लिए यानी कि एग को डेवलप करने के लिए बड़ा करने के लिए आपको FSH हार्मोन के या तो टैबलेट दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं डेढ़ के दूसरे दिन से। और जब ये आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो आपकी दोनों साइड पे इन ओवरीज के अंदर फॉलिकल यानी कि अंडे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये डेढ़ के दूसरे दिन से आपको हो सकता है कि डेढ़ के दूसरे दिन से 6 से 8 दिन तक ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब ये आपको इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं तो इसके साथ साथ ही
आपके जो डॉक्टर हैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के जरिए, यानी कि यहाँ से जो आपकी वजाइना है इसके इसके रास्ते से आपकी सोनोग्राफी के लिए आपको बुला सकते हैं। वो इस सोनोग्राफी के जरिए वो आपके चेक आपकी ओवरीज को देखते हैं कि क्या ये इनमें अंडे बन भी रहे हैं या नहीं, यानी कि आपकी ओवरीज के अंदर एग्स कितने बन रहे हैं, उनकी यानी कि उनका साइज कितना है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर एक सोनोग्राफी के अंदर देखते हुए यानी कि अल्ट्रासाउंड में देखते हुए इन सब चीज़ों को चेक करते हैं ताकि अंडों के साइज़ के बारे में पता किया जा सके और ये देखा जा सके कि उनका साइज़ क्या है और वो कब अपने साइज़ पे मतलूबा साइज़ पे पहुँचते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि जब फॉलिकल का साइज़ यानी कि ये जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल बनते हैं, ये फॉलिकल है, इसके अंदर पानी होता है और ये जो एग है वो इस फॉलिकल के अंदर तैरता रहता है। तो जब इस फॉलिकल का साइज 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तो फिर आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है अंडे को मैच्योर करने के लिए, यानी कि अंडे को ओवरी से बाहर निकालने के लिए। और जब ये आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो 35 या 40 घंटे के बाद हो सकता है ये चांसेस होते हैं कि जो आपका एग पका हुआ है वो ओवरी से बाहर आके इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाए। तो उसी वक्त फिर तब आपके हस्बैंड को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप एक जो आपका सीमन है उसका आप सैंपल दे दें और उनमें से जो अच्छे हेल्दी स्पर्म होते हैं उनको एक कल्चर मीडिया के जरिए यानी कि लैब के अंदर एक खास किस्म का कल्चर मीडिया होता है उसके जरिए यानी कि साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। तो जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपके जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं उनको एक कैथेटर के अंदर यानी कि एक इंजेक्शन टाइप सुई टाइप एक चीज़ होती है, कैथेटर होती है, टूल होता है, उसके अंदर लोड कर लिया जाता है यानी कि बाहर लिया जाता है। वो उस जो आपके हस्बैंड के स्पर्म होते हैं वो जो लोड किए होते हैं उसको एक कैथेटर सुई की मदद से उसको यूट्रस के अंदर यहाँ पे आगे उसको यूट्रस के अंदर छोटे छोटे जो स्पर्म होते हैं उनको यहाँ पे यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है। आपके हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं उनको यूट्रस के अंदर एक कैथेटर की मदद से छोड़ दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना में छोड़े जाते हैं। तो स्पर्म को नॉर्मल प्रेगनेंसी में इन स्पर्म को वजाइना से लेकर यहाँ अंडे तक पहुँचने के लिए 6 इंच का यानी कि फासला ज़्यादा फासला तय करना होता है। आईयूआई में क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म वजाइना में नहीं छोड़े जाते यहाँ के बल्कि बच्चेदानी के अंदर एक सुई की मदद से छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आईयूआई टेक्निक में जो स्पर्म का जो फास अंडे तक पहुंचने का या डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए भी आईयूआई टेक्निक में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यानी कि स्पर्म को ज़्यादा फासला तय नहीं करना पड़ता, यानी कि यहाँ से बच्चेदानी से लेकर यहाँ से अंडे तक पहुँचना होता है। तो जब ये आपका ये प्रोसीजर जो आईयूआई का ट्रीटमेंट यानी कि ये हो जाता है तो इसके बाद आपको किसी किस्म की बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आप नॉर्मली अपने घर जा सकती हैं अपने जो रूटीन वाइज अगर आपका दिल करता है आप बेहतर समझती हैं तो आप रूटीन वाइज अपने काम कर सकती हैं अगर आपके डॉक्टर आपको इजाज़त देते हैं। तो जब आपका ये जो आईयूआई हो जाता है तो इससे इसके 14 से 15 दिन बाद जो प्रेगनेंसी किट आती है उसके जरिए आप अपनी प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। तो इसके बाद जब आपकी आईयूआई का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रेगनेंसी होने के लिए आपको कुछ मेडिसिन भी देते हैं। आपको चाहिए कि आप हैप्पी रहें, स्ट्रेस में ना रहें और जो प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो ये जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं तो आप इन मेडिसिन को टाइम पे लें और इसमें आप यानी कि लापरवाही ना करें। अगर आप टाइम पे मेडिसिन को लेंगी तो आपको प्रेगनेंसी करने के आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के मतलब या इस अपने जो केस है जो आपका अगर आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है आप उससे मतलब कुछ पूछना चाहती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और
इसके अलावा अगर आप मेल और फीमेल से रिलेटेड किसी किस्म की भी कोई बात पूछना चाहते हैं या किसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगी तो मैं इस किस्म की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिनको देखने के बाद आपको अपने जो केस है यानी कि आपकी एक तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आपको अपने केस को समझने में मदद मिलेगी। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।